हम देख रहे हैं कि इस तरह का विजिटिंग कार्ड हम किस तरह बना सकते हैं कर्ज के साथ, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद यहाँ से 3.6 2.2 इंचेस में और 100 की रेजोल्यूशन पर लेंगे। इस दफा थोड़ा 300 की रेजोल्यूशन पर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे फाइल को, अभी सेव हुई नहीं, फिर से करना पड़ेगा। तो एक शेप ले लेते हैं इसके अंदर ये वाला, और इस शेप को हम एक हिसाब से इसको ऐसे करके बना लेते हैं। इस शेप को उठा के इसके अंदर यहाँ फिक्स कर देते हैं कंट्रोल टी की मदद से, और इस पर क्लिक कर देते हैं। शेप में जो भी कलर भरना है वो भर दें, आपकी मर्जी है, क्लिक कर दें। अब देखें इस शेप को हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं ये हटा लेता हूँ, करेक्टर्स को भी ज़रूरत नहीं है, तो लेयर पे ये बना हुआ है। एडिट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पाथ में जाएंगे, और यहाँ से लेंगे वार्प। वार्प में जाके यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे फ्लैग, ठीक है। तो आई थिंक सो यही सही रहेगा, ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ओके कर देंगे, ये एक शेप निकल आएगा। यहाँ से शेप्स पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पकड़ के इसको ऊपर कर देंगे या ऊपर कर देंगे, ठीक है। अभी उसमें तो ये ऐसे आ रहा है, तो एडिट में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे हो गया। थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा नीचे है, कंट्रोल टी करेंगे, ऐसे रोटेशन घुमाएंगे। तो ये रोटेशन अभी सेंटर से घुमा रहा है, कंट्रोल टी करके रोटेशन कॉर्नर से घुमाएंगे, यहाँ क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा नीचे भी लेकर आना है, तो पहले हम इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा देखिए, नीचे लाने में एक मसला ये होगा कि थोड़ा सा शेप छोटा है हमारा ना, इतनी नीचे रखना है, तो कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ थोड़ा जूम आउट करके इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे आप तो कंट्रोल टी करें, अल्टर शिफ्ट दबाएं, फिर ऐसे बड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मतलब किसी ना किसी तरीके से तो आपको इसको बड़ा करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा बड़ा करके देखें ऐसे ही मसला हल होना है, तो ऐसे नहीं होगा मसला, थोड़ा सा मसला अपनी जगह पे रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे रख लें, क्लिक कर दें, अप्लाई कर दें, उसके बाद रोटेशन ले लें, थोड़ा सा और घुमा लें इसको, थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है। ये शेप निकल आया, अब आपके हिसाब से सही। अब ये शेप निकल आया, इसको सेव कर लें डॉक्यूमेंट्स में, गए यहाँ से क्लिक किया, पीएस फाइल्स में चले गए, और यहाँ से हॉरिजॉन के फोल्डर में जाके सेव कर दिया हमने क्लास 14 के नाम से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे, इसको यहाँ रख लें, एक और लें इसका कंट्रोल जे डुप्लीकेट। अब एक शेप पे क्लिक करके डार्क ब्लू कलर कर दें, दूसरे शेप पे लाइट रखें, ये यहाँ पे रखें, ये डार्क ब्लू वाला एक डुप्लीकेट ले लें इसकी, इसको डिलीट कर दें पहले, इसको ऑफ कर दें। इन दोनों शेप्स को मिला के एक शेप बना दें, तो लेयर में जाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज शेप कर देंगे, कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। अब अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क लाना है, क्योंकि हमें ये हिस्सा निकालना है, इसको ऊपर कर दें, ये नीचे आ गया, क्लिक करेंगे यहाँ से। अभी इसको ऐसे नीचे लेकर आएँ इसको, ठीक है, इस कॉर्नर से देखें इसको कितना आपको यहाँ से नीचे निकालना है, इतना निकालना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लें कंट्रोल टी रोटेशन, ये जो रोटेशन पॉइंट है इसको इस एंकर पे रखेंगे, इस पे रख के इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे घुमाएं, ये वाला शेप, ठीक है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी, इतना थोड़ा सा निकाल लें, इसका क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें। इस तरह कोई और डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएं। अच्छा, अब जब शेप्स में दोनों को सेलेक्ट करके दबाएंगे ना, तो एक कलर हो जाएगा, फिर इसको रेस्टराइज करें, रेस्टराइज किया हमने इसको भी, रेस्टराइज किया, और फिर यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल ई दबाया, तो ये दोनों शेप जो है ना मिलके एक हो गए। फिर यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करके इसका टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा रखें, 32 पे रखें, और इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर दें इसका अलग से, ठीक है। इसको भले आप काम की नहीं हटा दें यहाँ पर, ये शेप आपका पहले से बना हुआ था, काम का है, ये रखा हुआ यहाँ पे। अब इसी को क्लिक करके इसको भले नीचे लिए, ये आपका शेप यहाँ रखा हुआ, क्लिक करें, रोटेशन कंट्रोल टी करके ऑन करें, और ये रोटेशन पॉइंट जो है उठा के यहाँ पे रख लें, और यहाँ से इसको
अप्लाई, सही? सही निकल गया शेफ। तो ये आपने इस तरह से शेफ इसका निकाल लेना है एक साइड का, फिर बाकी टैक्स वगैरह यहाँ पे देना है। अब ये वाला निकालना है, इसी को सेव एज करेंगे, क्लास 17 कर्व डिजाइन बैक साइड क्लिक करके ओके करेंगे। बस करना इसमें ये है आपको, पहले ब्लू वाला शेप आपने निकालना है, तो वो ब्लू वाला शेप अब ऐसे बनेगा जाके, तो इसको करेंगे पहले एडिट में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फिर करेंगे फ्लिप वर्टिकल, नहीं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे, और होना तो ऐसे ही चाहिए था, फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो सेट हो जाना चाहिए था इसका। इमेज में जाके करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इमेज से बंद हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसे आ गया, ये बनना चाहिए था ऐसे। इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ, फ्लिप वर्टिकल कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये ऐसे हो रहा है, तो ये साइड फिर भी ऊपर नीचे हो रही है ना इसके। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ऐसे करके नीचे लाना पड़ेगा फिर ये, ठीक है, ये इधर आ गया। ब्लू वाले को ऐसे ही रहने दें, ब्लू वाले को आपने क्या करना है, बस इसको शेप को पकड़ के यहाँ पे रखना है इसके साथ, थोड़ा सा ऊपर कर लें, कंट्रोल टी दबाएं, इसका रोटेशन पॉइंट जो है ना यहाँ पे रख दें उठा के, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ घुमा लें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कंट्रोल करके अप्लाई करें, कंट्रोल टी दबा दें, यहाँ से थोड़ा सा इस पैसे आगे बढ़ें, चारों तरफ से बढ़ाना चाहें चारों तरफ से बढ़ा दें ऐसे करके, करके अप्लाई कर दें, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ये ऊपर रख के थोड़ा सा कंट्रोल टी, फिर रोटेशन एंगल जो है ना, सही है, ये देखें ऐसे करके बन जाएगा, कंट्रोल एस करके सेव कर दें। बाकी इसमें भी टेक्स्ट वगैरह में इसी तरह से टेक्स्ट लिखा करें, अपना नाम अच्छे तरीके से, कोई लोगो अपना लगाया करें, अपना नाम अपनी कोई कंपनी का नाम बना लें, जैसे इमरान कॉरपोरेशन रखते हैं, इमरान डिजिटल एजेंसी है, इमरान फ्रीलांसर, अपना एड्रेस वगैरह बिल्कुल इसी तरह से बना के फिर सेंड किया करें, ठीक है, चलें।